देश की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक शिमला नगर निगम के लिए 2 मई को होने वाले चुनाव के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा सीधी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां तक कि चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है और सियासी विरासत पूरी तरह से सज चुकी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद शिमला नगर निगम पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, जिसको लेकर भी कांग्रेस आत्मविश्वास से भरपूर दिख रही है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ काम करने के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर बैंकिंग कर रही है, जिसने शिमला एमसी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए वर्ष 2017 में बहुमत वाली सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने के बाद से पिछले 4 महीने में किए गए अपने काम का प्रदर्शन कर समर्थन हासिल करने को लेकर भी आशान्वित है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उनके शासन में हुए विकास कार्यों का राग अलाप रही है। भाजपा नेता अपने चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध रही है। राज्य में अपनी सरकार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में वादे किए गए गारंटियों को पूरा करने के लिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के लिए शिमला नगर निगम पर अपनी पकड़ बनाए रखना आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपनी हालिया विधानसभा जीत की गति को आगे बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आगे से कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों में खुद 2 बार एक वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। चुनाव न केवल पार्टी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम ने कुछ वार्डो में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन चुनावी जंग काफी हद तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी जा रही है। न्यूज डेस्क ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।